गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। और आज मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी भी उठना था, घर का सारा काम करना था, आज विश्वकर्मा पूजा था तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई थी, फ्रेश वगैरह होकर, थोड़ा पानी, मतलब मैं सुबह सुबह थोड़ा पानी गर्म पीना पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़ा देर बैठती हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। उसके बाद ड्रेस चेंज करके मैं मुझे वॉक करने जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले, क्योंकि बैंगन को कटिंग कर लेती हूँ और उसे पानी में डाल के छोड़ देती हूँ, तब तक मैंने झाड़ू भी लगा लिया, और उसके बाद फिर मैं चल जाऊँगी वॉक करने के लिए। मैं घूमने के लिए चली गई थी, तो घूम के आई तो मैं थोड़ा देर बैठी थी, रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि फ़ोन ले जाना पॉसिबल नहीं है, मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, ले जा सकती हूँ बट लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह रोड इतना खाली रहता है, फ़ोन लेकर जाओ तो इसीलिए थोड़ा वॉक करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मैं फ़ोन को घर पर ही रख के जाती हूँ। तो मैं उसके बाद वॉक करके आई, तो यहाँ पे मैं किचन में ही, मतलब आते साथ मैं लगता है मुश्किल से 10 मिनट्स बैठी होंगी, और उसके बाद मैं किचन में लग गई, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बैठ जाऊँगी तो मेरे सारे काम में लेट हो जाएंगे, तो मैं अपने किचन की सफाई कर लूँगी। अच्छे से सफाई कर ली, क्योंकि मैंने झाड़ू पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे आने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाना है, किचन में भी घुसना है, तो इनका तो नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, तो ये तो अभी आएंगे, मतलब इन्हें आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो बाबू भी वॉक करके आ चुका है, तो वो अभी रूम में टीवी देख रहा है, तो वैसे भी मैंने उसे बोला था ब्रश कर लो आप, क्योंकि आज पूजा करना है, तो इसलिए उसने भी जल्दी जल्दी सारा काम अपना कर लिया। तो मैं यहाँ पे किचन में सब्जी झोंक दे रही हूँ, और मेरा पोछा भी कम्प्लीट हो गया था, तो यहाँ पे सब्जी मैं कम बना ले रही हूँ, तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बाबू को दूध वगैरह जो भी देना है, क्योंकि सुबह में उसे पॉटी मतलब होता नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म देती हूँ ताकि उसे पॉटी अच्छे से हो जाए। तो क्या है ना, बच्चे जब तक थोड़ा सा फ्रेश हो जाए तो उसे अच्छा फील होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उधर भी लगी रहती हूँ। तो ये भी मतलब इसे मैंने कहा कि आप इन्हें नहला दो बाबू को, तो इसे नहला दिया था, क्योंकि मैं किचन में लगी थी किचन, और मैं यहाँ अपने किचन का काम निपटा के मैं जाऊँगी अपनी सिलाई मशीन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी तो आज विश्वकर्मा पूजा है, तो उसकी भी पूजा होना है, तो इसलिए मैं उसे भी अच्छे से क्लीन से पोछ दी, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब 1 मिनट भी मैं बैठी नहीं कि मतलब नहीं बैठ है तो मेरा सारा काम लेट हो जाएगा। मैंने फ़ोन बाबू को पकड़ाया था, तो इसलिए बार बार वो अपना हाथ बीच में ला रहा था, तो उसके बाद फिर उसे कार्टून भी लगा दी थी, कि मैंने कहा कि वो परेशान कर रहा था सबको, तो इसलिए मैंने कार्टून लगा दिया रूम में ताकि आप कार्टून देखो, लेकिन उसे तो टीवी रूम में रहना था नहीं, आज बस इधर उधर बदमाशी करना था। तो यहाँ पे हम आ गए गाड़ी का पूजा करने के लिए। तो मैं फ्रेश हो गई थी, क्योंकि मैं अपना जो भी उधर मेरा किचन का काम है, मैं इधर का काम करके सब चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आई, तो उसके बाद फिर यहाँ पे गाड़ी का पूजा करने के लिए आ गई। तो यहाँ पे गाड़ी का पूजा कर ले रहे हैं, तो उसके बाद फिर घर का पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने कैसे मनाया अपना विश्वकर्मा पूजा, तो हमारा तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब चढ़ा देंगे, पहले टीका वगैरह लगा दे रहे हैं, बाबू भी काफ़ी बीच में मतलब बदमाशी कर रहा था, तो उसे थोड़ा थोड़ा डांट भी आज पड़ा था, क्योंकि आज सुबह से वो उठा हुआ मेरे साथ ही, वो भी उठ गया था, क्योंकि मैं तो अलार्म लगा के सोती हूँ, तो अलार्म जैसे ही बजा मेरे बदले वही अपोजिट ही उठ गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा के तब जाएंगे अंदर, पूजा अंदर भी घर पे पूजा करना है, और ऐसे तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, लेकिन जल्दी यही है रीज़न कि सुबह उठ कर सारा काम जल्दी जल्दी करने से क्या है कि टाइम पे सब हो जाता है, फिर क्योंकि एक तरफ नाश्ता बनाना है, एक तरफ पूजा करना है, सब करना है। तो दही बड़े भी बन रहे थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे दही बड़े, मैंने कहा कि ऊना विश्वकर्मा पूजा के दिन ही दही बड़े बना दिए जाए, तो यहाँ पे दही बड़े भी बन रहे थे, वहाँ पूजा भी हो रहा था, मतलब सारा काम को लेकर चलना, मतलब कभी काल तो क्या बोलूँ, लगता है स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाती है। तो सुबह से उठे रहना, मेरी तो पूरा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा कमर वगैरह पेन करने लग गया था, मतलब एक सुबह से उठना, कंटिन्यू सारा काम करना, और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा हो चुका था लगभग, तो यहाँ पे हम लोग भी आरती मतलब अगरबत्ती वगैरह जला ले रहे हैं, तो उसके बाद आरती वगैरह होगा, तो यहाँ मैं पूजा करके फिर चली गई थी किचन में। किचन में तब तक मैंने कहा पहले पूड़ी निकाल लेती हूँ, तो उसके बाद क्योंकि नाश्ता भी तो करना था तो सबको, और थोड़ा लेट भी हो रहा था क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए ऐसे भी पूजा पाठ के दिन थोड़ा कब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है टाइम का।
तो यहाँ पे आ गए हैं आरती के लिए। हमारा पूजा हो चुका है तो हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। और हमारा आरती हो चुका था तो मैं फिर से आगे किचन में, क्योंकि मैं तभी गैस बंद करके चली गई थी, तो यहाँ पे मेरा लगभग जो भी है सब्जी और पूड़ी बन चुका है। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत मतलब उम्मीद रहती है फ्रेंड्स, हर एक नई उम्मीद रहती है। तो आप लोग अगर सपोर्ट रहेगा फ्रेंड्स तो शायद मैं सक्सेस करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग ढेर सारा प्यार दें और ढेर सारा सपोर्ट करें। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि मेरा कहाँ मतलब ब्लॉगिंग में मैं कैसा बनाती हूँ, कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसमें भी रिप्लाई करें।